हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक एमसा, आपका दोस्त, बिजनेस कोच एंड फाउंडर ऑफ मिस्टर 24 ग्रुप। आज की वीडियो फॉरेक्स के ऊपर हम बना रहे हैं। ये फॉरेक्स की मेरी फर्स्ट वीडियो है। फॉरेक्स के ऊपर मैं आपको जो बिगिनर है उनको समझाने के लिए ये रियल में फॉरेक्स में वर्क कैसे होता है, फॉरेक्स में ट्रेडिंग कैसे होती है और आम लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूं। तो ये वीडियो पूरे देखिए, देखने के बाद आप मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी और पसंद आए तो शेयर कर लेना। चलो वीडियो की करते हैं शुरुआत। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये 10 $100 के नोट है, यानी ये $1,000 है। ये $1,000 कुछ टाइम के पहले, आज से 4-5 साल पहले मैं घूमने गया था वर्ल्ड टूर में। बाहर घूमने गया तब मैंने परचेस किए थे कुछ डॉलर, उसमें से बचे हुए ये डॉलर है। अब ये जब मैं वहां पे घूमने गया तब उस टाइम पे 75 रुपीज डॉलर का रेट से मैंने परचेस किया था डॉलर, और आज डॉलर का रेट है 83 रुपीज। जब मैं वहां से घूम के रिटर्न आया तब मैंने सोचा कि अब कुछ ही टाइम में फिर से जाना है, तो ये मैं डॉलर सेल नहीं करता हूँ, बेचता नहीं हूँ, क्योंकि उस टाइम पे बेच लिया होता तो लाइक 75 के आसपास के रेट से सेल कर दिया होता और वही अमाउंट मेरे पास होती। लेकिन मैंने कुछ टाइम के लिए इसको होल्ड कर लिया, रख लिया कि मैं फिर से जाऊंगा तब यूज करूंगा, लेकिन उसके बाद मैं कहीं गया नहीं। और ये डॉलर मुझे आज याद आ रहा है कि मैंने कहीं रखे हुए थे और इस डॉलर की आज वैल्यू हो गई है 83 रुपीज। जब 83 रुपीज वैल्यू है, यानी मैंने 75,000 रुपीज में परचेस किया था, आज उसका 83,000 हो गया है। यानी 75,000 माइनस 83 यानी कम कम 8,000 रुपीज मेरा प्रॉफिट हो गया। अब आप लोग बोलोगे कि फॉरेक्स के अंदर 8,000 रुपीज प्रॉफिट, वो भी 5 से 6 साल निवेश करने के बाद, इसमें कौन सी मजा, इससे अच्छा तो स्टॉक मार्केट है। लेकिन माई डियर फ्रेंड्स, ये सिर्फ मैंने फिजिकल डॉलर परचेस किया था और फिजिकल डॉलर परचेस करने के कारण ये मुझे प्रॉफिट हुआ। अगर यही पैसा मैं फॉरेक्स के प्लेटफॉर्म पे लगाता तो मुझे वहां पे लीवरेज मिलती 1:500 की, यानी मेरे पास $1,000 है तो मैं वहां पे $1,00,000 परचेस कर सकता था। यानी $1,00,000 परचेस करता तो शायद यहाँ पे 8 रुपीज का डिफरेंस है तो मैं कितना प्रॉफिट करता, ये हो सकती है फॉरेक्स की ताकत। अब हम ट्रेडिंग को और फिजियोलॉजी को और ट्रेडिंग किस तरह से होती है उसको भी समझते हैं, लेकिन उसके पहले हम थोड़ी सी और बातें करते हैं। लोगों को ये भी लगता होगा कि यार डॉलर तो मेरे पास $100 ही थे, $1,000 ही थे, तो डॉलर तो इतने का इतना है, ये प्लस माइनस कैसे हुआ, रुपीज प्लस माइनस कैसे होता है डॉलर टू INR के अंदर। तो इसके अंदर GDP और इन्फ्लेशन का रेट होता है। जैसे GDP और इन्फ्लेशन हर कंट्री की ऊपर नीचे होती है, इसी हिसाब से हर कंट्री का रेट ऊपर नीचे होता है। जैसे डॉलर की मूवमेंट अब डेली तो इतनी आती नहीं है कि 73 से 85 हो जाए, 80 से 90 हो जाए, 95 हो जाए। अब आप लोग सोचोगे कि इससे 5 और 10 पैसे की डेली की मूवमेंट आती है तो रोज का फॉरेक्स में ऐसा तो कैसे कमाया जा सकता है, किस तरह से पॉसिबल है। तो हम लोग आपको ये समझाते हैं कि फॉरेक्स में किस तरह से प्रॉफिट होता है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब फॉरेक्स को समझाने के लिए मैंने ये 3 करेंसी पेयर का नाम लिखा है यहाँ पे, यूरो यूएसडी, JPY USD और INR USD। INR USD 0.012 रुपीज के सामने एक डॉलर है INR USD। अगर 0.012 रुपीज वर्सेस US डॉलर, यानी US डॉलर के सामने ये जो वैल्यू है INR की, तो ये वैल्यू है 0.012। अब हम लोग यूरो यूएसडी की वैल्यू करते हैं तो 1.066626, और अगर जीबीपी यूएसडी की बात करें तो 1.22539, ये उनकी वैल्यू है। अगर आपको बाई करना है 1 GBP तो ये वैल्यू से होगा, 1 यूरो करना तो ये वैल्यू से होगा। अब फॉरेक्स के अंदर सबसे पहले लीवरेज का रोल होता है कि लीवरेज मिलती है हमें 1:500, यानी मेरे पास अगर $1,000 है तो मुझे उसके सामने $500,000 परचेस करने मिलेगा। मैं $500,000 का यूरो या कोई भी करेंसी परचेस कर सकता हूं। अब हम लोग बात करते हैं यूरो यूएसडी।
तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट साइज कितने की होती है, इसमें लॉट साइज में परचेस होता है, मिनी लॉट होता है, माइक्रो लॉट होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो सेकंड वीडियो में डिटेल में बनाऊंगा माइक्रो लॉट क्या है, स्टैंडर्ड लॉट क्या है, लॉट साइज क्या होती है, इसमें डिटेल में क्या क्या और भी होता है अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो मैं दूसरा वीडियो भी बनाऊंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट साइज बताता हूँ कि एक यूरो यूएसडी की कॉन्ट्रैक्ट साइज है एक लॉट की 1,00,000। अब जब मेरे पास $1,000 है तो मैं $500,000 तक का ट्रेडिंग कर सकता हूं 1/500 की लिवरेज मींस। अब मैं क्या कर रहा हूं कि 1,00,000 की कॉन्ट्रैक्ट साइज है, मैंने एक लॉट बाय कर लिया। जब एक लॉट 1.066626 का बाय कर लिया तो उसके सामने मेरा कितना स्टॉक बाय हुआ, कितना रुपये का ट्रेडिंग हुआ, तो इसका मल्टीप्लाई 1,00,000 कर लीजिए, यानी अबाउट 1,06,662 डॉलर का ट्रेडिंग यहां पे हो रहा है। यानी अभी भी मैं 4 लॉट और भी परचेस कर सकता हूँ, $500,000 तक का मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ, इसका मीनिंग है। तो हम सिर्फ एक लॉट की बात करते हैं कि इतना हुआ। अब ये 626 है, वो 626 से 627 हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा, यानी मुझे $1 प्लस माइनस हो जाएगा। अगर मैंने बाय किया है और ये 626 की मूवमेंट 626 से 36 आ गई, 636 आ गई, तो मुझे $10 का प्रॉफिट होगा। ये जो 626 है ये अगर 726 हो गया तो मुझे $100 का प्रॉफिट होगा। और इसकी मूवमेंट हम लोग 626 726 पॉइंट में काउंट करें तो डेली कम से कम 500 पॉइंट की होती है, और फॉरेक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं तो 50 पिप। अगर आपको डिटेल में जानना है तो उसका वीडियो हम अलग से बनाएंगे, पिप क्या होता है, स्वैप क्या होता है उसके रिगार्डिंग। लेकिन बेसिक लोगों को, नए लोगों को समझ में आए इसलिए मैं पॉइंट में काउंटिंग कर रहा हूं कि 626 से 726 हुआ तो $100 का प्रॉफिट हुआ, सेम लाइक 626 से 526 हुआ तो $100 का लॉस वहां पे होगा। यानी फॉरेक्स के अंदर आपका प्रिडिक्शन सही है, आपको चार्ट एनालिसिस आता है, आपने थोड़ा बहुत सीख भी लिया और आपको नॉलेज लेके आप ट्रेडिंग करते हो तो आप अच्छा सा अच्छा ये मुनाफा ले सकते हो। आपने सिर्फ निवेश किया था $1,000 और एक दिन में आप यहां से $100 निकाल सकते हो, 10% तक का प्रॉफिट यहां पर निकल सकता है। दिस इज पॉसिबल इन फॉरेक्स। इसीलिए लोग दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, $14 ट्रिलियन का वॉल्यूम जो फॉरेक्स के अंदर है इसके लिए ही है। अब आप लोगों को डिटेल में वीडियो जाननी है, डिटेल में और फॉरेक्स के लिए सीखना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको डिटेल में नई वीडियो चाहिए, तो इसके डिटेल में हम एक नई वीडियो बनाएंगे जिसमें कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या होता है, लॉट साइज क्या होता है, किस तरह से पॉइंट की वैल्यू काउंट होती है, किस तरह के पीप काउंट होता है, ये सारी डिटेल में हम वैल्यू बताएंगे और डिटेल में आपको समझाएंगे कि फॉरेक्स में ट्रेडिंग कैसे होता है। आज के वीडियो में इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट कर लीजिए। अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किए तो फिर से एक बार कह रहा हूं शेयर कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा जो भी नई वीडियो हम बनाते हैं वो आपके तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। आज के वीडियो में इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे।